तो मित्रों, मैं हूं प्रभात पोद्दार और बुक समरी चल रही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। पहला चैप्टर नो वंस क्रेजी, उसका सेकंड पार्ट आज हम बात करेंगे। अमेरिका में नवंबर 2009 में जो अनएम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो बेरोजगारी की दर थी, वो 10% थी। लेकिन अगर आप एक ब्लैक हैं, ब्लैक एंड आप काले व्यक्ति हैं 16 से 19 की आयु के, और आपके पास स्कूल की डिग्री नहीं है, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज 49% है, यानी एवरेज 10 आप 49 पे आएंगे। लेकिन अगर आप एक गोरी महिला हैं 45 साल से ऊपर की, जिसके पास कॉलेज डिग्री, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट मात्र 4% है। तो एक ऐसी कैटेगरी है जहां 49% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, और एक जहां 4% का। क्या दोनों की सोच पैसे के मामले में हो सकती है? नहीं हो सकती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। सर, इस दौरान, इस वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान की इकोनॉमी तबाह हो गई, शेयर बाज़ार बर्बाद हो गए। लेकिन इसी दौरान अमेरिका का शेयर मार्केट डबल हो गया। अब प्रश्न यहाँ आता है, जो मॉर्गन हाउजल पूछते हैं, जो राइटर हैं इस किताब के, क्या इन सारे अलग अलग सेगमेंट्स के लोगों की राय मनी के बारे में, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, क्या इन चीज़ों के बारे में एक जैसी हो सकती है? तो बोला नहीं हो सकती साहब। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ने अलग दौर को, एक ही दौर को अलग अलग नज़रियों से देखा है और उसको अलग अलग प्रकार से सफ़र किया है। शेयर बाज़ार को हर व्यक्ति एक नज़र से नहीं देखता। जिस व्यक्ति ने उसमें पैसा डुबोया है और जिसने कमाया है, वो उसको अलग नज़रिए से ही देखने वाला है। इन्होंने एग्जांपल दिया कि एक फॉक्सकॉन करके एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ताइवान में, चिप मैन्युफैक्चरिंग की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बार एक आर्टिकल आया, उसमें पता चला वहाँ जो लोग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। गर्मी बहुत है, 12-12 घंटे काम है, पैसा कम है, एंड एवरीथिंग। तो अमेरिका के लोगों ने वो पढ़ा और बड़े गुस्सा हो गया, यार ये कैसा हो रहा है। तो एक चाइनीज़ आदमी है, उसने उसका रिटेलिएशन दिया। उसने कहा, मेरी आंटी काम करती हैं वहाँ उस फैक्ट्री में, आपको मालूम है पहले वो क्या करती थी? बोला, क्या करती थी? बोला, पहले वो प्रोस्टिट्यूट थे। तो बोला, वो जिस कंडीशन में थी, जितने कम पैसों के लिए वो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, उसके कंपैरिजन में आज वो जहाँ काम कर रही हैं वो तो बहुत बेहतर है, पहले से ज़्यादा पैसा मिलता है, और जो फिज़िकल कंडीशंस में वो काम कर रही हैं वो काफ़ी बेहतर है जहाँ पे वो पहले से थी। आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास इससे बेहतर विकल्प अवेलेबल है, ज़्यादा अच्छी नौकरी है जिसमें अच्छी सर्विस कंडीशंस होती हैं। हमें जो अवेलेबल है उसमें हम बेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हम दोनों का विचार एक जैसा होगा, पैसे के मामले में, नौकरियों के मामले में? बोला, ये भी नहीं होगा साहब। एक बड़ी इंटरेस्टिंग है खबर, या एक $412, यानी करीबन अगर 80 से एंटू किया जाए तो 32,000 रुपये से ज़्यादा अमेरिका के गरीब आदमी हर साल लॉटरीज में लगाते हैं ना, लॉटरी समझते हैं ना, लॉटरी में पैसा लगाते हैं कि हमें पैसा मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो अमीर आदमी अमेरिका का, वो $100 से ज़्यादा नहीं लगाता। यानी अमीर आदमी $100 लगा रहा है, गरीब आदमी $400 लगा रहा है। जीतने का चांस 1 in a million, यानी 1 बटे 10 लाख चांस है, लेकिन आदमी इसको खेल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गरीब आदमी ज़रूरत पड़ने पर, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी होने पर, $400 कहीं से ला नहीं सकता। इतना पैसा उसका सेविंग में नहीं है, लेकिन लॉटरी खेलने का है पैसा उसके पास। अब आप कहेंगे तो पागल लोग हैं, खाने का पैसा नहीं है, आप खाने से, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट से पैसा निकाल के लॉटरी में डाल रहे हैं, ये कहाँ तक लॉजिकल है? तो आप और हम भी कहेंगे, हाँ बात तो सही है। लेकिन जो आदमी लॉटरी खेल रहा है वो ये कह रहा है कि मैं इतना गरीब हूँ, मैं एक ऐसी कंडीशन में फंसा हुआ हूँ कि मैं बाहर निकल ही नहीं सकता। एक ही तरीका इससे बाहर निकलने का कि बाई चांस मेरी लॉटरी लग जाए। तो आपको जो चीज़ लॉजिकल लगती है, मेरे पास दैट इज़ द ओनली वे। यानी कि पैसे को देखने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता, हर आदमी का पर्सपेक्टिव उसको डिटरमाइन करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले जो पैसे की परिकल्पना हुई थी, कॉइन्स बने थे, वो 600 BC में बने थे। यानी अभी आप 2600 साल पहले कॉइन्स बन गए थे, यानी पैसा 2600 साल से। लेकिन जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट हैं वो बड़े रीसेंट हैं, यानी अभी आपने उनको ढंग से सीखा नहीं है। रिटायरमेंट हमको लगता है बहुत ही नॉर्मल है। ये किताब ऑब्वियसली बात है अमेरिका के कंटेक्स्ट में लिखी गई है, लेकिन हाँ, हम इंडिया के हिसाब से भी सोच सकते हैं। अमेरिका के रिटायरमेंट फंड्स में $27 trillion पड़ा है, सोचिए कितना पैसा पड़ा है। लेकिन अमेरिका में भी रिटायरमेंट एक नया कंसेप्ट है, शायद 2 generation से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हर आदमी से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जब तक मरेगा नहीं तब तक काम करता रहेगा। रिटायरमेंट भी एक नया कंसेप्ट है वर्ल्ड के लिए।
एक मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में कितने परसेंटेज लोग नौकरी कर रहे थे अमेरिका में। अगर 1880 की बात करें तो 78% लोग, 1880 में 78% लोग जो 65 साल के ऊपर थे वो नौकरी किया करते थे। 1950 में ये आंकड़ा 47% हो गया था और 2010 में 22%, यानी अब 100 लोगों में से 22 लोग अभी भी काम कर रहे हैं। यानी जाहिर सी बात, अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने लगे हैं तो काम करने वालों की संख्या कम हो गई है। इनका ये कहना है कि ऐसा क्या रीज़न है कि हम सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट्स में और रिटायरमेंट के मामले में इतने कमज़ोर हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ये नए कंसेप्ट्स हैं, पैसा वैसा अभी हम नए तरीके से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, शायद इसलिए ढंग से काम नहीं कर पाते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो कहते हैं कि कोई भी पागल नहीं है पैसे के मामले में, हर आदमी समझदार है, बस वो अपने नज़रिए से देख रहा है। उन्होंने कहा कि डॉग्स को 10,000 साल पहले डोमेस्टिकेटेड किया गया था ना, 10,000 साल पहले कुत्तों को हमने पालना शुरू किया था, लेकिन आज भी उसके अंदर वाइल्ड टेंडेंसीज दिख जाती हैं। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और ये सब चीज़ें तो 20 से 50 साल पहले सीखनी चालू की, जल्दी थोड़ी सीख लोगे। अगले चैप्टर की हम अगले 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 वीडियो में हम अगले चैप्टर पर जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।